Hi everyone, this is Amit Bhardwaj from Expert Immigration Services. दोस्तों 2018 एक्सपर्ट इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहा. बहुत से बच्चों के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, डिफरेंट कंट्रीज के हमने वीजा लगवाए. बहुत से हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोफाइल के केसेस भी आए और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके प्रोफाइल वीक थे, एजुकेशन में गैप था, आइल्स में स्कोर कम था. इस तरह के भी काफी सारे बच्चों के हमने वीजा लगवाए. उनका ओवरसीज में जो एजुकेशन का ड्रीम था हमने पूरा किया. अभी रिसेंटली ये 2018 का भी एंड है, दिसंबर है, ये साल खत्म होने जा रहा है. रिसेंटली हमारे अभी कुछ बच्चे बैठे हैं हमारे पास, इनके ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के और कनाडा के वीजा लगे हैं और ये बच्चे अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगनदीप सिंह, मैं ब्राड़ा तो मैं 2017 में अपने प्लस टू पास आउट की थी और इस भी मेरे बहुत बढ़िया परसेंटेज नहीं सी. देन मैं आईएलएस की थी और इस भी मेरे ओवरऑल 6.5 बैंड स्कोर सी. बट इन अनफॉर्चुनेटली मेरा रेटिंग इज 5.5 बैंड स्कोर सी. बट मैनू अमित सर ने प्रोत्साहन दवाया कि तुहाडा नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर वीजा लग सकता है, असीं ट्राई कर सकते हैं. तो मैं अपनी फाइलिंग नॉन एसडीएस के अंदर की ते मेरा 18 दिनों विच कनाडा का वीजा आ चुका है. तुसी देख सकते हो आज मैं बहुत खुश हां ते मैं तुहानू सारे नू अपने यारां दोस्तां नू ते होर सब बच्चों नू एही कहना चाहवांगा जिन्होंने भी अपना कनाडा का, न्यूजीलैंड का, आस्ट्रेलिया का वीजा अपलाई करना है वह इत्थे आन. अंबाला और चंडीगढ़ इन्हां दे भी दूसरी ब्रांच खुल चुकी है. जिन्होंने भी अपलाई करना है या बाहर पढ़न जाना होवे वह इन्हां कोलों अपना वीजा अपलाई करन. ए बहुत ही भरोसेमंद एजेंट ने ते मैं आज बहुत खुश हूँ. कनाडा का वो भी नॉन एसडीएस में, क्योंकि इसके बच्चे के 6 ईच नहीं थे मॉड्यूल में, तो नॉन एसडीएस में भी वीजा लगते हैं अगर आप फाइल ठीक से प्रिपेयर करते हो, अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स का सिलेक्शन करते हो. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मेरा नाम हरजीत कौर एंड मैं शाहपुर से हूँ और मैंने डीएमएलटी कोर्स किया हुआ है. तो उसके बाद मैंने बायोमेडिकल बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस में एडमिशन लिया है इन ऑस्ट्रेलिया और मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने एक्सपर्ट से अपनी फाइल लगवाई क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया और मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ एक्सपर्ट इमिग्रेशन का. उन्होंने मेरा वीजा 8 दिन के अंदर अच्छी सिर्फ 8 दिन में इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हुआ है. सागर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड आई एम फ्रॉम अंबाला कैंट. आई डिड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन 2017 एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू अप्लाई ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई फाउंड वाज दैट आई गॉट माय स्टूडेंट वीजा इन ओनली 8 डेज एंड आई वॉन्ट टू थैंक अमित सर फॉर दैट बिकॉज ही गाइडेड मी वेल. And I also want to thank the faculty of Expert Immigration who helped me to achieve my band score. So I will recommend Expert Immigration to all my mates because they are very they have done very really amazing job and wonderful. Thank you, Sagar. आप देख सकते हैं कि सागर का ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा सिर्फ 8 दिनों में आया है. So depend करता है कि file preparation कैसा है, statement of purpose कैसे लिखी है, कोर्स सिलेक्शन सही है नहीं है, सारी काफी चीजें मैटर करती है. अमनजोत, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमनजोत सिंह एंड आई एम फ्रॉम तेजला एंड आई हैव पास आउट माय थर्ड क्लास इन 2017 एंड आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अपना न्यूजीलैंड वीजा मिला है. तो आई वांट टू थैंक्स टू मिस्टर अमित सर एंड स्पेशली टू मिस्टर ग्रेट सर. मैं आप सबको एक ही गाइड करना चाहूंगा, तो किसी को भी अपना वीजा लगवाना है इनका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, तो प्लीज एक्सपर्ट इमिग्रेशन पे हैं क्योंकि इनका स्टाफ बहुत अच्छा है एंड दे गिव अ गुड एडवाइस टू अबाउट एवरीथिंग. थैंक यू अमनजोत. अमनजोत का जो है आईएलटीएस में 5.5 बैंड थे, 2017 में प्लस टू की थी उसका, कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड का वीजा आ गया. इसका टेलीफोनिक इंटरव्यू आया था, उसके हमने काफी अच्छी तैयारी कराई, उसका रिजल्ट आपके सामने है. शिवम, व्हाट अबाउट यू? हेलो, माय नेम इज शिवम एंड आई एम फ्रॉम अंबाला. रिसेंटली आई पास माय प्लस टू इन 2018 एंड आफ्टर दैट आई गिव माय आईएलटीएस एग्जाम इन विच आई स्कोर 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6. आफ्टर दैट आई मीट मिस्टर अमित भारद्वाज सर, ही गाइडेड मी वेरी वेल थ्रू ऑल माय वीजा प्रोसेसिंग फाइल एंड आई जस्ट गॉट माय ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा इन जस्ट 20 डेज.
So I get all the aspirants who want to pursue their dream from overseas, kindly meet Mr. Amit Bhardwaj sir. They guided it very well through all your visa filing process. Thank you, Shivam. Shivam ka Australia ka visa sirf 20 days mein approve ho gaya. What about Gurpreet? How's your experience? Hi everyone, my name is Gurpreet Singh and I am from Bradetua and I have my plus 2 class 2018 passed and I had a very good percentage but then I got Amit sir and I got a very good guide that you can apply New Zealand visa and I had a course in the Indian course and I had a good suggestion and finally I got New Zealand visa ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਮਿਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਦੋਸਤੋ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਮੇ ਪੀ ਆਰ ਕੇ ਲੀਏ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਪੀ ਆਰ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, इस सारी नॉलेज है। हम अपने स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज गाइड करते हैं जिन्हें करने के बाद बच्चे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पीआर भी ले सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एजेंट्स बच्चों को उन कोर्सेज में भेज देते हैं जिनमें आगे स्कोप नहीं होता, जॉब्स नहीं होती और पीआर नहीं मिलती, फिर बच्चों को वहां जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दोस्तों, वी विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, जर्मनी और एनी अदर कंट्री, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।